हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट की वन बाय वन लिस्टिंग करते हैं। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम एक्सेल के जरिए शॉपक्लूज पर अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धर्मेंद्र कुमार प्रजापति और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टुडे मेकर। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में हमारे पास में इस तरीके का डैशबोर्ड आएगा। डैशबोर्ड आने के बाद में बल्क लिस्टिंग करने के लिए हमें एक्सेल फाइल की आवश्यकता होगी, तो हम सबसे पहले कैटलॉग पर जाएंगे। कैटलॉग पर जाने के बाद में क्रिएट ए न्यू प्रोडक्ट पर बल्क प्रोडक्ट क्रिएट पर क्लिक करेंगे। अभी हमसे ब्राउज बाय कैटेगरी पूछ रहा है, तो हम यहाँ से अपना जो प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड कीवर्ड यहाँ पे डाल सकते हैं और सर्च कर सकते हैं, या फिर कैटेगरी पाथ यहाँ पे दे रखा है, हम वहाँ से भी हम सिलेक्शन कर सकते हैं। तो हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, जैसे मेरा प्रोडक्ट है ज्वेलरी, तो मैं ज्वेलरी एंड वॉचेस पर क्लिक करूँगा। उसमें ज्वेलरी और ज्वेलरी के अंदर सिल्वर ज्वेलरी में मैं क्या सेल कर रहा हूँ अभी, और उस रिलेटेड मुझे एक्सेल फाइल की जरूरत होगी। तो सिल्वर रिंग में हमेशा लिस्ट करता हूँ, तो मैं सिल्वर रिंग्स सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद में स्टेप टू आएगी, सिलेक्ट द टाइप ऑफ टेम्पलेट। डाउनलोड टेम्पलेट पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने से पहले हम यहाँ पे मोड सिलेक्ट करेंगे, लाइट मोड और एडवांस मोड। हम सबसे पहले एडवांस मोड पर क्लिक करेंगे, क्योंकि एडवांस मोड पर मोर कॉलम आते हैं, ज़्यादा कॉलम आते हैं और हमें ज़्यादा अपने प्रोडक्ट के फीचर्स भरने होते हैं। तो हम एडवांस पर क्लिक करके डाउनलोड टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे। डाउनलोड टेम्पलेट पर क्लिक करने के बाद में हमारे सामने इस तरीके की एक्सेल की फाइल हमारे सामने आएगी। मैंने ऑलरेडी एक्सेल की फाइल बना रखी है और उसमें मैंने एक प्रोडक्ट ऐड किया हुआ है ताकि हमारा समय बचे, इसलिए मैं इस फाइल को हटा देता हूं और वह फाइल आपके सामने लेके आता हूं। यह है वह एक्सेल की फाइल जिसमें मैंने डिटेल फिल कर रखी है। सबसे पहले हमारे सामने आएगा मैंडेटरी, जो ये मैंडेटरी लिखा हुआ है ये हमें कंपलसरी है भरना। तो सबसे पहले जो कॉलम आएगा वेब पेज नंबर, इस पे हम किसी भी तरह का नंबर दे सकते हैं। ये वेब पेज नंबर जब हम वेरिएशन क्रिएट करते हैं उस समय इसका यूज करते हैं, और सिंगल लिस्टिंग है तो सभी लिस्टिंग के वेब पेज नंबर अलग अलग आते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको वेरिएशन में लिस्टिंग बताऊं, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके लिए जरूर वेरिएशन वाली लिस्टिंग बताऊंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेब पेज, आप किसी भी तरह का यहाँ पे नंबर दे सकते हैं, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फिल करेंगे। कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर बी, यहाँ पे एसक्यू मांग रहा है, मर्चेंट रेफरेंस नंबर या एसक्यू कोड। तो हम जो एसक्यू कोड बनाएंगे अपने प्रोडक्ट का वो यहाँ पे फिल करेंगे। प्रोडक्ट का टाइटल, जैसे एमेथिस्ट रिंग है तो एमेथिस्ट रिंग मैंने यहाँ पे टाइटल में डाल रखा है। मैंने नॉर्मली सिर्फ आपको बताने के लिए डाला हुआ है, आप अपना टाइटल अच्छी तरीके से बनाएं और उस पर अच्छे कीवर्ड डालें ताकि आपका प्रोडक्ट रैंक होए। सेलिंग प्राइस, जो आप अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे डालनी है। प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, जो आपका छोटा सा डिस्क्रिप्शन होगा वह यहाँ पे फिल करेंगे। इमेज लिंक, यह यहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट की इमेज लिंक एंटर करेंगे। इमेज लिंक हम ड्रॉप बॉक्स से बनाएंगे। यदि आपको ड्रॉप बॉक्स के बारे में नहीं पता तो आप मुझे कमेंट करें, मैं ड्रॉप बॉक्स के बारे में भी आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे हम एमआरपी फिल करेंगे। प्रोडक्ट का HSN कोड यहाँ पे हम टाइप करेंगे। ये HSN कोड या तो आप गूगल से अपने प्रोडक्ट का HSN कोड
ले सकते हैं, या फिर यहाँ पे HSN कोर्स का ऑप्शन दिया हुआ है इसी फाइल के अंदर। तो हम अपना जो प्रोडक्ट है उसको सर्च कर लेंगे फाइंड करके। तो फाइंड करेंगे, जैसे मेरी सिल्वर रिंग है, सिल्वर है, सिल्वर का प्रोडक्ट है, तो मैं यहाँ पे फाइंड कर लेता हूँ। फाइंड करने के बाद में सिल्वर से रिलेटेड मेरे पास में काफी प्रोडक्ट आएंगे। जैसे ये सिल्वर का है, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, जो सिल्वर से रिलेटेड कॉलम है। देखिए, जो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन होगा वह आपको सिलेक्ट करना है, उसी का ही HSN कोड लेना है। तो मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड है 7113 आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी एंड पार्ट्स प्रीसियस मेटल ऑफ मेटल क्लेड प्रीसियस मेटल। तो इस कैटेगरी के अंदर मेरा प्रोडक्ट आता है, तो मैंने ये HSN कोड डाला हुआ है 7113 7113। टैक्स रेट हमें यहाँ पे पता चल जाएगा। टैक्स रेट हमारा है, इसके सामने है CGST SGST दोनों को मिलाकर IGST जो होता है, यही हमें नंबर लेना है। तो 3% है हमारा टैक्स रेट, तो मैंने यहाँ पे 3% फिल कर दिया है। थोड़ा सा मैं इसे बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको देखने में अच्छा लगे। SQ या स्टाइल कोड हम यहाँ पे इसका SQ डाल देंगे। रेफरेंस नंबर, अब जो मैंडेटरी वाली फील्ड है वह खत्म हो गई है, अब गुड टू हैव यानी कि हम इसे भरें तो आपके प्रोडक्ट के लिए अच्छा होगा, सर्चिंग में वह अच्छी तरीके से आएगा। रेफरेंस नंबर यानी UPC कोड जो अगर आपके पास में हो तो सही है, नहीं तो इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। एडिशनल इमेज, यदि आपके पास में प्रोडक्ट की एक से ज़्यादा इमेज हैं, इसमें हमें एक इमेज तो पहले ही प्रोवाइड करवा दी, पहले ही कॉलम में F कॉलम में हमने फर्स्ट इमेज डाली थी। यदि उसके बाद में भी हमारे पास में 3-4 इमेज हैं तो हम यहाँ पे M, N और O पे उस इमेज की लिंक को अटैच कर देंगे। ये हमें सिर्फ प्रोडक्ट की 4 इमेज ही एंटर करने के लिए कॉलम देता है। कमिटेड क्वांटिटी, आपके प्रोडक्ट की क्वांटिटी यहाँ पे हम फिल करेंगे। तो मेरे प्रोडक्ट की है 5, तो मैंने 5 फिल कर दिया है। शिपिंग फ्रेट, यदि आप कस्टमर से कोई शिपिंग चार्ज लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो शिपिंग चार्ज। मैं कस्टमर से कभी भी शिपिंग चार्ज नहीं लेता हूँ, तो इसलिए मैंने शिपिंग चार्ज को ब्लैंक छोड़ दिया है। प्री पैकेज्ड, यदि आपका प्रोडक्ट पहले से ही पैक्ड है तो आप बाय लिखेंगे, नहीं तो एन लिखेंगे। प्लेस ऑफ ओरिजन में इंडिया हम टाइप करेंगे। पैकर्स डिटेल, यदि आपके कोई भी डिलीवरी कुरियर पार्टनर है तो उसका डिटेल हम यहाँ पे दे सकते हैं। पर शॉपक्लूज में हम जब भी प्रोडक्ट सेल करते हैं तो शॉपक्लूज के खुद के ही कुरियर पार्टनर होते हैं जो आपके पास में ऑटोमेटिक आ जाते हैं जब आप ऑर्डर प्रोसेस करते हो, तो हमें पता नहीं होता कि कौन सा कुरियर पार्टनर हमारे पास में आएगा, क्योंकि हर ऑर्डर में कोरियर पार्टनर चेंज हो जाता है। पैकेज नेट क्वांटिटी, पैकेज में कितनी क्वांटिटी है, जैसे मेरा प्रोडक्ट सिर्फ रिंग है और एक ही रिंग आएगी तो मैं एक यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। कस्टमर केयर डिटेल, यदि आप इसके अंदर अपना कोई, यदि आपकी कंपनी में कोई कॉमन नंबर है, कस्टमर केयर नंबर है, तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, नहीं तो इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं।
जेनरिक नेम, जो भी आपका प्रोजेक्ट का जेनरिक नेम है और भी नेम होंगे तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ये रिंग साइज मैंडेटरी है, रिंग साइज हमें देनी है तो रिंग साइज मैंने दे दी है 7 नंबर। गुड टू हैव इमेज लिंक, यदि रिंग साइज है ये हम बोल रहे कि अगर आप इमेज लिंक देते हो तो अच्छा है। हम फर्स्ट जो इमेज दी है हमने प्रोडक्ट की, वही इमेज यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं तो इसे छोड़ सकते हैं। ये जब काम में आता है, जब आप वेरिएशन में लिस्टिंग करते हैं, जब आपके प्रोडक्ट का कलर या स्टोन चेंज हो, तब ये कॉलम काम में आता है। डायमंड मैंडेटरी है तो इसने ड्रॉप डाउन से ही हमें ऑप्शन दिया है, तो मैंने ड्रॉप डाउन से ही नॉट एप्लीकेबल जो सर्टिफिकेट है, क्योंकि मेरे प्रोडक्ट में डायमंड नहीं है तो इसलिए नॉट एप्लीकेबल मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। सिल्वर का सर्टिफिकेशन ये भी ड्रॉप डाउन से मैंने सिलेक्ट किया है, 925 स्टर्लिंग सिल्वर है। और ब्रांड जो भी आपका ब्रांड है XYZ वह आपको टाइप करना है। सिल्वर का वेट क्या है, तो सिल्वर का वेट जो मेरा है 5 ग्राम है, तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है। कलर फैमिली इस ड्रॉप डाउन दी है इसने अलग अलग कलर, तो मैंने यहाँ से पर्पल सिलेक्ट किया है, पर्पल कलर का एमेथिस्ट होता है। ओकेशन में इसने कई तरीके के ओकेशन दिए हुए हैं, जो आपका प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड ओकेशन आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। डायमंड का वेट मैंडेटरी है, तो डायमंड का वेट हमें डालना पड़ेगा, 0.0 मैं डाल देता हूँ क्योंकि इस प्रोडक्ट में डायमंड नहीं है। नंबर ऑफ डायमंड 0, डायमंड की क्लियरिटी, डायमंड की क्लियरिटी यहाँ पे कुछ भी दे दो एक बार तो। और डायमंड का कलर इसमें NA नहीं है तो हमें कुछ भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, पर हर प्रोडक्ट में ये अलग अलग डिटेल मांगता है, इसलिए आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग इस डिटेल को फिल करें। ये सिर्फ शीट आपको समझाने के लिए है, क्योंकि हर प्रोडक्ट की अलग अलग शीट होती है और उसमें कई बार अपलोडिंग के टाइम पे प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करें। और यदि आप अपने अकॉर्डिंग शॉर्ट आउट नहीं कर पाते हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, मैं आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करूंगा। डायमंड का शेप NA, यहाँ पे हमें NA ऑप्शन दे दिया है। डिजाइन एवरीडे वियर ड्रॉप डाउन से, ज्यादातर जो फील्ड है ड्रॉप डाउन हमें मिलेगा तो वहीं से ही फिल करें, क्योंकि ड्रॉप डाउन के अंदर हमें टाइप करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो शीट में एरर जरूर बता देगा, इसलिए जो ड्रॉप डाउन से फिल करना है उसे ड्रॉप डाउन के तरीके से ही फिल करें, और नहीं तो उसे ब्लैंक छोड़ दें। और मैंडेटरी जो है उसको जरूर आपको फिल करना है। आइडियल फॉर, तो ये वुमन्स के लिए है, तो हम वुमन्स यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इंडी मार्केट आर्ट, इस कॉलम में मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी ऑप्शन नहीं है तो मैं इसे सिलेक्ट नहीं करूंगा, इसे ब्लैंक छोड़ दूंगा। दोस्तों, मैं आपके लिए लगातार अच्छे अच्छे वीडियो लेके आ रहा हूँ। ई कॉमर्स ट्रेनिंग सीरीज जो हमारी चल रही है, तो ये काफ़ी मुझे अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है आपकी तरफ से। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, और अभी तक यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला जो वीडियो होगा मैं उसमें बताऊंगा कि शॉपक्लूज पर डेफिनेटली 100% अपने प्रोडक्ट की जो सेल है वो इंक्रीज किस तरीके से करें, यानी हमारे अपने प्रोडक्ट की सेलिंग किस तरीके से हम 100% लेके आए, और डेली कम से कम 10 से 15 प्रोडक्ट आराम से आप शॉपक्लूज पर सेल कर सकते हो। ये मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ है, इसलिए आप मेरे जो
वीडियो है वो ध्यान से देखें ताकि आप अच्छी तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें। और मैं एक बार फिर से आपको कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरे जो लेटेस्ट वीडियो हैं आपके पास में आते रहें। और यदि आपको वीडियो से रिलेटेड या किसी भी तरीके की ई कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उन कमेंट का जवाब जरूर देता हूँ, चाहे वह थोड़ा लेट हो पर 24 आवर्स में मैं उन कमेंट का जवाब जरूर दे देता हूँ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो नए सेलर हैं उनके पास में ये वीडियो पहुँचे और वह आगे अपने बिजनेस को ले जा सकें। तो हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। एंड जो ये कॉलम है लाइफस्टाइल है, आपका प्रोडक्ट जिस लाइफस्टाइल से रिलेट करता है उस लाइफस्टाइल को यहाँ पे हमें फिल करना है। मैंने इसको स्किप किया हुआ है क्योंकि सभी प्रोडक्ट का अलग अलग लाइफस्टाइल होता है, तो वो आप फिल करें अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। मॉडल नेम में आप अपना SQV डाल सकते हैं, नहीं तो इसे छोड़ भी सकते हैं। आपकी क्या सीरीज चल रही है उस हिसाब से आप यहाँ पे कॉलम को फिल कर सकते हैं। मॉडल ID मैंने SQ डाला हुआ है, पार्ट नंबर जो भी आपके प्रोडक्ट का पार्ट नंबर है, मैन्युफैक्चरिंग नंबर है, वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो इस शीट के अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं, हमारी लिस्टिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। यदि आपको ये कॉलम इन कॉलम के बारे में जानना है और भी, तो आप यहाँ पे अलग अलग जो चार और शीट दी हुई है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि क्या है यहाँ पे। हेल्प के अंदर देखेंगे तो हमें ये हर कॉलम के बारे में बताया हुआ है कि कौन सा कॉलम, वेब पेज नंबर क्या है, मैंडेटरी कॉलम क्या है, गुड टू एप, तो ये सब तरीके से हमें गाइड किया हुआ है शॉप क्लूज ने। इमेज के लिए इमेज लिंक ये एक बार जरूर आप पढ़ें ताकि आपको इमेज जो है अपलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि सबसे ज़्यादा बल्क लिस्टिंग के अंदर इमेज को अपलोड करने में प्रॉब्लम आती है। वेरिएशंस इसने बताया है, अगर आपको वेरिएशन में लिस्टिंग देखनी है या आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करें, मैं ज़रूर आपके लिए वेरिएशन वाली लिस्टिंग का वीडियो बनाऊँगा। HSN कोड जो हमारा प्रोडक्ट है उस अकॉर्डिंग यहाँ पे HSN कोड है, कोड यहाँ से लेंगे और जो हमारा टैक्स है अपने प्रोडक्ट का उस प्रोडक्ट का टैक्स यहाँ से लेंगे जो HSN है। ट्रेडमार्क वायलेशन ब्रांड ये आप अपने अकॉर्डिंग इसको रीड कर लें, वैसे ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये ट्रेडमार्क से रिलेटेड है जो हमें किसी भी प्रोडक्ट पे जो हम लिस्टिंग करेंगे उस पर किसी भी तरह का हम ट्रेडमार्क का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये जो WWE तमन्ना भाटिया इमेज जवेरी पर्ल विक्टोरिया ये सब ट्रेडमार्क हैं, इसका यूज़ हम नहीं कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट पर। ये हमें यदि हम किसी भी ट्रेडमार्क का यूज़ करेंगे किसी भी प्रोडक्ट पर किसी भी लिस्टिंग में तो वह सबसे पहले जो हम बल्क लिस्टिंग करते हैं वह रिव्यू के लिए जाती है शॉप क्लूज के बैक एंड पर, तो वहाँ पर वह उसे फेल कर देंगे, इसलिए हमें ट्रेडमार्क का यूज़ नहीं करना। ये हमारी लिस्टिंग कंप्लीट हो गई है, अब हम इसे सेव कर लेंगे। सेव आप जहाँ पे भी करना चाहें कर सकते हो, मैंने इसको ऑलरेडी सेव किया हुआ है डेस्कटॉप पर, यहाँ पर डेस्कटॉप के अंदर सब फोल्डर के अंदर। इसको सेव करने के बाद में हम जाएंगे शॉप क्लूज के डैशबोर्ड पर, ब्राउजर कैटेगरी के बाद में हम अपलोड पर जाएंगे। अपलोड पर क्लिक करने के बाद में अगर हम ज़्यादा देर तक शॉप क्लूज के डैशबोर्ड पर काम नहीं करते हैं तो वह हमें ऑटोमेटिक लॉग आउट कर देता है, तो हमें दोबारा से साइन इन करना होगा। तो मैं इसे साइन इन कर लेता हूँ। साइन इन करने के बाद में हमने जो अपलोड पर क्लिक किया था वहाँ पे हम पहुँच गए हैं। मैंने कुछ फाइलें चेक करने के लिए यहाँ पे अपलोड की थी क्योंकि ये मेरा नया
अकाउंट है, इसलिए मैंने, ये मेरा नया अकाउंट है तो मैंने इस पर कोई भी काम नहीं किया है। चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और जहां हमारी फाइल है वहां पर हम सिल्वर रिंग्स की नाम से ये फाइल है, इस पर क्लिक करके ओपन पर क्लिक करेंगे और सबमिट पर हम क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में हमारे पास में एक मैसेज आएगा, फाइल एक्सेप्टेड, यूज बैच आईडी फॉर चेकिंग दिस स्टेटस ऑफ अपलोड। बैच आईडी हमें ये प्रोवाइड कर दिया है और नीचे हमारा जो ये फाइल है इसकी यहाँ पे पूरी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे डिटेल, ये बैच आईडी है, फाइल का नेम है, एक टाइम बता देगा कि किस टाइम पे हमने जो फाइल है अपलोड की है। आज 17 तारीख है तो 17 तारीख को हमने ये फाइल अपलोड करी है। क्यूड अप स्टेटस, स्टेटस हमें ये इस तरीके से बताएगा, यदि हमारी फाइल कंप्लीट हो जाएगी तो फिनिश आएगा और अगर पेंडिंग चल रही होगी तो वो पेंडिंग बताएगा। और मिनिमम ये 5 से 6 घंटे लेता है एस्टिमेट टाइम, तो हमें इतना टाइम रुकना होगा प्रोडक्ट के लिए। प्रोडक्ट चाहे कितना भी हो, टाइम ये इतना ही लेगा, चाहे सिंगल प्रोडक्ट ही हो। मैंने मॉर्निंग में भी एक फाइल अपलोड करी थी, वह अभी तक पेंडिंग बता रहा है। ये सुबह 8:10 पर की थी और अभी 16:52 हो रहे हैं, यानी कि 4:52 पे, जब भी ये हमें रिपोर्ट नहीं बता रहा। यदि हमारा जो फाइल का स्टेटस फिनिश आ जाए तो हमारे पास में रिपोर्ट आ जाएगी और यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट बताएगा कि कितने प्रोडक्ट आपने अपलोड किए हैं और कितने कंप्लीटेड हो गए हैं, कंप्लीटेड मतलब सक्सेस हो गए हैं, और कितने प्रोडक्ट फेल हो गए हैं। तो इस तरीके से हमें ये बता देगा। तो आप जो तरीका मैंने बताया है फाइल को अपलोड करने का और फाइल में डिटेल फिल करने का, उस तरीके से करोगे तो आपकी फाइल जरूर सक्सेस होगी, आपके प्रोडक्ट सक्सेसफुली अपलोड हो जाएंगे। और सक्सेसफुली अपलोड होने के बाद में आप अपने प्रोडक्ट को कैटलॉग में जाके कैटलॉग डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें प्रोडक्ट अपने शो हो जाएंगे। ये टेस्ट प्रोडक्ट है, नॉट फॉर सेल, तो ये हमें बता देंगे। तो दोस्तों ये तो हमारी बल्क लिस्टिंग कंप्लीट हो गई है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जो होने वाला है वह शॉपक्लूज से रिलेटेड होने वाला है, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम बिड करके अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। और ये 100% गारंटीड है कि 10 से 15 ऑर्डर हमारे डेली के आने लगेंगे और हमारा जो बिजनेस है काफी अच्छा ग्रो करेगा शॉपक्लूज के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।